बहुत अच्छा, आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। और मैंने पहले जल्दी जल्दी हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग होली के दिन के देख रहे हैं और मेरा वीडियो दो दिन लेट जा रहा है, आप लोग इसके लिए सॉरी, क्योंकि होली के बाद खुद ही मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो मैं आज एडिट किया है वीडियो और आज अपलोड करूँगी। तो आप सब कैसे हैं? यहाँ पर बन रहा है पुआ, तो हमारे यहाँ इसी यही पुआ बनता है, इसे मालपुआ बोला जाता है, भरुआ लपुआ बोला जाता है, तो यही बनता है और यही चढ़ता भी है। और यहाँ पे बाबू खेल रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल, और आप सभी को हैप्पी होली। और देखिए, हम तो पूरे रंग चुके हैं, एक मम्मी अभी हैप्पी होली। गाइस, आप सभी को हैप्पी होली मेरे पूरे फैमिली की तरफ से। हम लोग को पता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लेट जाएगा, आज है होली, आज 19 तारीख है, तो हमारे यहाँ 19 तारीख को होली है और यहाँ पे बन रहा है बहुत सारा खाना, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, बहुत अच्छा ये ब्लॉग होने वाला है। हाँ, तो गाइस यू नो कि अब हम लोग नहा चुके हैं, नहाने के बाद हम खाना बना रहे थे, उसके बाद हम खेले, वो दोनों मेरे भाई आके मुझे ही डाल गए। और ये देखिए, मम्मी अभी बहुत साफ़ सुथरा है, क्योंकि मम्मी ने कहा है कि जब तक खाना नहीं बनेगा तब तक कोई रंग नहीं डालेगा, है ना बाबू? अरे देखिए, इनके बाबू भी बहुत साफ सुथरा है, साफ सुथरा है तुम? नो। तो यहाँ पे देखिए, सब कोई खाना खा लिया है और जो बचा है वो आप लोग को मैं शाम को दिखा रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा मीट भी बचा है और चाव पुलाव भी बचा है, तो वही मैं शाम को दिखा दे रही हूँ, मैंने नहीं दिखाया। गाइस, अभी मैं और मम्मी रेडी हो चुके हैं, मतलब सब कोई रेडी हो चुका है, और अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? छुहारा और गड़ी को काट करके रखा जाता है, तो काटने जा रहे हैं। आज बहुत सारा काम था इसलिए मैं ब्लॉग अच्छे से शूट नहीं कर पाई हूँ, और हम लोग अभी जल्दी जल्दी मैं रेडी हुई हूँ, और कुछ इस तरीके से ये वाला साड़ी मैंने पहन लिया है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। और ये कान में क्या है ना, बहुत बड़ा है, मैं बाहर जाऊँगी तो इसे निकाल करके जाऊँगी, सिर्फ वीडियो शूट करूँगी। नहीं नहीं, तो आपको लगाना पड़ेगा। नहीं, सिर्फ मतलब रील्स बनाना है वो, तो और आप लोग गाइस सोच रहे होगी आकृति इतनी मम्मी से चिमट कैसे हो गई, हो भाई ये हील वाला सैंडल पहना, तो मैंने ये पहना है, ये सैंडल हील वाली। आप सभी को हैप्पी होली, और हम लोग को पता है कि ये वीडियो लेट से जाएगा, लेकिन फिर भी हैप्पी होली। और ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगेगा जरूर बताना। और आप सो एवरीवन, अभी तो मम्मी गई अपना काटने वाटने, तो आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या पहना है, ये तो गई। अब हम लोग जाएंगे बाहर अबीर खेलने, सारी मतलब लड़की आएंगी मेरे घर, तो उसके साथ हम भी जाएंगे थोड़ा सा अबीर खेलने सिर्फ मोहल्ले में, और चलती हूँ पहले ये काट लूँ। सो गाइस देखिए, ये मेरे मामा ने लाया है, ये बल्ले बल्ले। तो ये मेरे मामा ने कल रात को ही लाया था, तो दो कपड़े लाए थे मेरे को, मतलब जो अच्छा लगे वो रखने के लिए, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, सो आई विल डिसाइड। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये मुझे, मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड जाती हूँ किसी चीज़ को लेकर। ये है क्रॉप टॉप, और आप इसकी स्लीव देखो भाई, देखो। हाँ, आज कितना भी बहुत सारा काम था, उसीलिए मम्मी ब्लॉग नहीं कर पाई अच्छे से। हम लोग के यहाँ मतलब सबको खिलाया जाता है खाना, जितने लोग हैं, तो बहुत सारा खाना भी बनाना पड़ेगा, इसलिए बहुत सारा आज काम था, इसलिए मैंने ब्लॉग अच्छे से शूट नहीं कर